बिना मेरा रक्षा बंधन। भाइयों और बहनों, सभी दर्शकों से निवेदन है, सब्र की घड़ी पूरी हुई, अब आंखें खोल लो और मुंह बंद कर लो, क्योंकि द्रौपदी स्वयंवर का मचान शीघ्र ही आरंभ होगा। ओले पिछली हो गई, ऐसे तो मुझे बिना देखे मंच पे ना जाने वाले। दौड़ रसाई दौड़। न शिवराज न फुर्ती दिखा भाई, सारा मंच पर जाने का नंबर आने वाला है। बबलू भाई से अभी नहीं जाऊंगा, रसाल तुम्हें करेगी तभी जाऊंगा। था दोनों भाई बहन की जोड़ी भी ना रह कटे थारी रसाल। उमेश सिंह जी, जी। आपने बच्चों से नाटक करवा के बहुत अच्छा किया है। हमारे बच्चे कम से कम हमारा धर्म हमारा इतिहास के बारे में तो जानकारी ले पाएंगे। आपकी एक बेटी भी है ना रसाल? हाँ, वो दिखाई नहीं दे रही। वो यहीं कहीं होगी। अच्छा, कहीं कोई उद्यम न मचा रही हो। अब आमंत्रित किया जाता है सूझ पुत्र कर्ण को। नहीं, आप इस स्वयंवर में भाग लेने योग्य नहीं, क्योंकि आप सुत पुत्र हैं। पता था बिन्नुड़ी ऐसी पलटी मारेगी, पर मैं भी अपने भाषा की पिचकी न होने दूंगी। पूरी तैयारी की है मैंने। बिन्नुड़ी, बिन्नुड़ी, मान जाना बिन्नुड़ी तो कितनी अच्छी है ना। देखना मेरे पास कितना सब कुछ है तेरे लिए। ये झुमकी चाहिए, ये हार। हाँ, हार चाहिए। ये तो भाई साहब ने दिए थे। इस बिन्नुड़ी की आंखों में चीटी अंडे दे दे, इससे भी यही पसंद आने थे। ठीक है, ये भी ले ले। ले पिंदुड़ी, मैं इसे इधर ही रख रही हूँ, तेरा ये, ठीक है? और अब समाप्त हुई इंतजार की घड़ी, क्योंकि द्रौपदी अब शूरवीर अर्जुन के गले में वरमाला डालने को खड़ी है। जे काय कर दियो? अरे के मजाक हो रही हो ऐठे? अरे नई महाभारत लिखी जा रही है के? क्या मैं भाई से जीत गए? क्या मैं भाई से जीत गए? क्यों मैं जीत गए? क्या मैं भाई से जीत गए? अशोक, अरे, 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 सुनिए, अरे रुक जाइए सब, अरे। डीएम को मारताओं के मारे बच्चों ने जो किया वो गलत किया, पर उनकी नियत गलत नहीं। शरारत और बदतमीजी के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर हो गई, और हमारे बच्चे आपको हमेशा उस लकीर के अंदर खड़े मिलेंगे, बाहर नहीं। अपने चांद में दाग किसे दिखे? लेकिन याद रखना उमेश सर, किसी दिन चांद सरक के ये दाग आपके कुर्ते तक ना पहुंच जाए, याद रखिएगा। घर पहुंचो तुम दोनों। डीएम हुकुम। अज्जू जल्दी घर आना। रसाल, आज तो मैं करूंगा तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बवाल, तू ना बचती आज। टकुराइन सा, मारी बेटी ने जो किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगू हूँ, लेकिन आप भी अपने बेटे को समझाएं कि आज के बाद कभी किसी को माँ के नाम पर कुछ ना कहे। माना कि रसाल ने जो किया वो गलत किया, लेकिन उसका गुस्सा वो बिल्कुल गलत नहीं था। ठाकुर साहब, आपका बोलना बिल्कुल सही है, हम अज्जू ने समझावेंगे। वाह, इसी का दांत टूटा और इसी को हम समझावे? दांत ही तो है, वापस आ जाएंगे। मेरे भी टूटे थे, लेकिन खरगोश मामू साहब ने 2 महीने बाद नए दांत लगा दिए थे। अरे हो बावरी, ये कोई दूध के दांत ना थे जो वापस आ जाएंगे। सही कहा है किसी ने, बिना माँ की छोरी और बिन लगाम की घोड़ी,
कहां कब घुस के तबाही मचा दे कोई ना जान पाए। ओ बावरी, अगर तेरी माँ जिंदा होती ना तो थने बता पर अज्जू की माँ तो है ना ठकुराइन साहब, तो फिर क्यों इसे सही गलत का फर्क ना पता।